नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने आरडब्ल्यूए और गौरी हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है। नॉर्थ दिल्ली के अंदर 15 बेड का एक कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये 15 बेड का एक कोविड केयर सेंटर जो है वो नॉर्थ दिल्ली के अंदर तैयार किया गया है, जहाँ पर जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उनके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन दी जाएगी। डीसीपी नॉर्थ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आरडब्ल्यूए और गौरी हॉस्पिटल ने मिलकर एक बड़ा ही अच्छा काम यहाँ पर शुरू किया है, सर क्या है इसके बारे में बताइए सर आप। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है दैट लोकल आरडब्ल्यूएस, लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस कैन कम टुगेदर, उसके बाद उनके तरफ से एक स्मॉल कोविड केयर फैसिलिटी शुरुआत कर सकते हैं, सो दैट द हॉस्पिटल का जो अभी प्रेशर है वो कम हो सकती है, यही इसका मुद्दा था। सो उसके मुताबिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ सिविल लाइन्स एंड अलॉन्ग विद दिल्ली पुलिस ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड डॉक्टर चंद्र प्रकाश ऑफ गौरी हॉस्पिटल्स, वी हैव कम टुगेदर टू सेटअप दिस फैसिलिटी। इसी फैसिलिटी में 20 बेड्स है, इसमें 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बेड का फैसिलिटी दिए हुए हैं, बाकी जो भी सुविधा है बेसिक फैसिलिटी फॉर कोविड केयर सेंटर दैट हैज़ बीन गिवन हियर। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ ये जो यहाँ का लोकल आरडब्ल्यू है कई सारा मेहनत की है, दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ रिसोर्स लगे हुए हैं और वहाँ आपने देखे होंगे वो अलग, वहाँ जो एंट्रेंस में सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो आएंगे उसको स्क्रीनिंग करने के लिए अलग जगह रख लिया ताकि पेशेंट्स एंड देन सस्पेक्टेड पेशेंट्स कैन बी सेग्रेटेड। वहाँ आने के बाद वहाँ टेस्टिंग वहाँ चेक करने के बाद इसके बाद अलाउ कर दिया जाए, यहाँ आ जाएंगे। ठीक, आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरीके से आपको ये आइडिया आया कि हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रजनीश माथुर है, मैं सिविल लाइन्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मिस्टर नितिन गोयल और हमारे एडवाइज़र मिस्टर श्याम गुप्ता हैं। ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है एक छोटा सा चेंज लाने की, एक छोटा सा डिफरेंस बनाने की। कोविड केयर में सारी एजेंसीज पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हैं, सब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिल्ली पुलिस ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया है, जगह प्रोवाइड करवाई है और पूरा मेडिकल सपोर्ट गौरी हॉस्पिटल्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने दिया है, बाकी पूरा सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं और जितना बन पड़ेगा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों का अगर सहायता हो जाए तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सर आपसे जानना चाहेंगे दो तरीकों से आपने डिवाइड कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव पेशेंट और एक तरफ जो सस्पेक्टेड पेशेंट होंगे, तो किस तरीके से उनका ख्याल रखा जाएगा? गाइडलाइंस, वी कैन नॉट रिफ्यूज इवन क्लिनिकली सस्पेक्टेड पेशेंट, सो व्हाट वी हैव डन, दोज हु हैव अ रिपोर्ट एंड दे आर पॉजिटिव दे विल गो ऑन वन साइड, दोज हु हैव अ फीवर सिम्टम्स और ए सी टी रिपोर्ट और समथिंग विच इज़ ए फेवरिंग वी पुट इन ऑन अदर साइड, एंड दिस फैसिलिटीज इज फॉर द पेशेंट्स हु हैव ऑक्सीजन लेवल ऑफ 88 एंड लेस देन 60 ईयर्स एज, बिकॉज द कंसनट्रेटर विच वी हैव गॉट इट्स अप टू 5 लीटर पर मिनट एंड आफ्टर दैट इट डजंट स्पोर्ट, सो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, विल कीप द पेशेंट फॉर 3 to 5 आवर्स एंड टेल देम टू अरेंज वेर एवर इज पॉसिबल सो दैट द क्राइसिस पीरियड इज टाइडेड ओवर एंड पेशेंट मेंटेन द ऑक्सीजन, देयर इज नो डैमेज टू द बॉडी पार्ट्स एंड दे रिकवर फास्टर, and we'll give the basic drugs like paracetamol and steroids so that in case of emergency they can tide over. That's all, that is the first we're creating, and as much as patient possible we'll try to admit. In case the load is more, there are people, all civilian people are willing to donate more money to increase the facilities. Sir, oxygen kis tarike se di jayegi patients ko? Ek bar aap agar aap dikhana chahein ek bar sir, to they are concentrators. They are working, this oxygen is going on. This is given by nasal catheter. This will be put there and we can control up to 5 liter from here, this oxygen is going. This is, and this is a control. See what we can say now, it's 3 liter, 4 liter. And this is there, it has a timer for 1 hour safety device. After it stops, we restart so that it doesn't get burnt. Because of heat. This is the system and it is a very robust system. We have got on each bed independent. बेड का जो ये कोविड केयर सेंटर है वो तैयार किया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये 20 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं और हर बेड के साथ एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया गया है ताकि जो मरीज यहाँ पर पहुँचेगा उसको ऑक्सीजन दी जा सके। आपको बता दें कि एक तरफ पॉजिटिव मरीजों के लिए रखा गया है और जो दूसरी साइड है वो जो सस्पेक्टेड मरीज होंगे उनके लिए रखा गया है, लेकिन ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो दोनों तरफ दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस एक पहल से जो लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर मामले सामने आ रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और
कुछ लोगों की मौत भी हो जा रही है, इस पहल से ज़रूर कुछ ना कुछ दिल्ली में लोगों के उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, ABP News, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।